महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक बनाए गए 52 श्रमिक आजाद हो गए हैं। शुक्रवार को श्रमिकों को सकुशल सीमनाबाद लाया गया। मंगलवार की जनसुनवाई में ग्राम धनवाही के ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत की थी। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बहोरी बंद एसडीएम रोहित सिसोनिया को जांच के आदेश दिए थे। एसडीएम की जांच में पता चला कि श्रमिकों को झांसा देकर सोलापुर के कंदल गांव भिजवाया गया, जहां इनसे कम मजदूरी में ज्यादा काम करवाया जा रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र के अधिकारियों से संपर्क किया गया। सोलापुर एसपी तेजस्वी सतपोटे ने स्पेशल टीम के साथ छापामार कार्रवाई की और बंधक बनाए गए 52 श्रमिकों को छुड़ाया। इन सभी को बस के जरिए कटनी भेजा गया है। मैं वाला हूं, महाराष्ट्र गया था। मेरे को 400 रुपए कह के गन्ना तोड़ने के लिए ले गए थे, बाकी 400 रुपए मजदूरी पे ले गए थे, बाकी 400 रुपए नहीं दिया। उसने 100 रुपए हफ्ते में देता था खाने के खर्चे के लिए, और उसने गन्ना तोड़वाता था कैसे टन से, तो हमारा मान के चलो नहीं पड़ा। हम उससे बोलते थे कि हमारी लेबर हमको घर भेज दो, तो उसने बोलता था कि यदि हम तुमको यदि जाने नहीं देंगे जाओगे तो 7 लाख रुपया धर के जाओ, अन्य हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। साफ साफ है ना, सही 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 सर, धक्की धुक्की भी नहीं है सर। अब मोबाइल हम लोग गांव में बात करते थे, हमारा मोबाइल तक छोड़ा के हमारा मोबाइल। तो फिर आप यहाँ पे सूचना कैसे दी? सूचना हमने फोन इसलिए से लगाई कि हमारे आदमी है पंतु महाराज, तो हम पंतु महाराज से बोले कि गुरु ऐसी ऐसी बात है, अब थोड़ा हमारी शिकायत करो, क्योंकि हम थाने से आए हैं, अब अपने आप से नहीं है, हम लोग आए यहाँ महाराष्ट्र, पहले हम वोट डाले हैं थाने में, इसके बाद में फिर हम लोग गए। हमको टाइम ही नहीं मिला हमको मारने काटने के लिए, जब वो डरवा रहा था वो जाने कहाँ से देगा। 24 घंटे तो उसके वकील आदमी 50 आदमी हमारे पीछे पड़े थे। जहाँ काम करते थे वहाँ पे का सफाई करा।